हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माई चैनल केम ट्यूब बाई विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन के बारे में। ठीक है, कितने प्रोटीन्स होते हैं। तो ये बायो मॉलिक्यूल का लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले हम लोग ने 4 लेक्चर में ठीक है प्रोटीन तक कवर कर लिया है। तो आज के लेक्चर में अपने क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि आपको टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, प्रोटीन कैन बी क्लासीफाइड इन टू टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर शेप। तो मॉलिकुलर शेप के बेसिस पे प्रोटीन को कैसे क्लासीफाई गया है, इसके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो है दैट इज फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो क्लासिफिकेशन शेप के बेसिस पे दैट इज फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, तो इसके बारे में पॉइंट देखते हैं क्या क्या है एनसीईआरटी में। तो क्या लिखा है, व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये बन सकता है कि फाइब्रस जो प्रोटीन होता है उसमें कौन से जो पैरेलल उनमें भी बॉन्डिंग होता है वो कौन सा बॉन्ड होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड आपने पढ़ा है, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वेन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड विथ FON, मतलब फ्लोरीन ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन में से किसी भी एलिमेंट से बॉन्डिंग होता है तो उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, शॉर्ट में आप वो ऐसे याद सकते हैं, हाइड्रोजन और फोन मतलब FON, फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। ओके, चलिए पहला पॉइंट तो हमें पता चला कि उसमें बॉन्ड कौन से होते हैं फाइब्रस प्रोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट आगे लिखा है यहाँ पर, देखिए, देन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर इज फॉर्म। तो यहाँ पर आपसे फाइबरस प्रोटीन जो होता है कैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फाइबरस प्रोटीन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सच प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, सम कॉमन एग्जाम्पल्स आर क्या है, देखिए इनको एग्जाम्पल को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है कि केराटीन। ठीक है, तो केराटीन किसका एग्जांपल है, फाइब्रस प्रोटीन का, कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये कहाँ पर होता है, देखिए हेयर में, ऊल में, सिल्क में, तो इसमें क्या होता है, केराटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और केराटीन क्या है, फाइब्रस प्रोटीन है। उसके बाद आता है मायोसिन। ठीक है, तो मायोसिन किस में होता है, मसल्स में होता है। ठीक है, जो मसल्स होते हैं उसमें कौन सा प्रोटीन होता है, दैट इज मायोसिन। तो ये दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये है कि केराटीन जो प्रोटीन होता है फाइब्रस प्रोटीन का टाइप है और ये हेयर एंड ऊल या फिर सिल्क में प्रेजेंट होता है, एंड सेकेंड वन इज मायोसिन जो कि मसल्स में प्रेजेंट होता है और ये भी फाइब्रस प्रोटीन होता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फाइब्रस प्रोटीन में ज़्यादा नहीं था, यहाँ पर जो नेक्स्ट शेप के बेसिस पे क्लासीफाई किया है दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ओके, ग्लोबुलर प्रोटीन, तो चलिए देखते हैं क्या दिया है एनसीईआरटी में। दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड क्वाइल्ड अराउंड टू गिव स्फेरिकल शेप। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, क्वाइल फॉर्म होता है, यहाँ पर दिख रहा है आपको डायग्राम में, क्वाइल फॉर्म है और स्फेरिकल शेप होता है। ठीक है, दीज आर यूजली सोल्यूबल इन वाटर। देखिए फाइब्रस प्रोटीन क्या था, इनसोल्यूबल था, बट ग्लोबुलर प्रोटीन जो है वो वाटर में सोल्यूबल है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर क्या, इंसुलिन। ठीक है, एंड एल्बुमिन्स आर कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट कि इंसुलिन एंड एल्बुमिन्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। और इससे पहले क्या था, मायोसिन एंड केराटीन इज एग्जाम्पल ऑफ क्या था, फाइब्रस प्रोटीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आगे क्या दिया है, स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडी एट द 4 डिफरेंट लेवल। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर या और हमें जो स्टडी करना है वो डिफरेंट 4 लेवल में है, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। ठीक है, फिर से बोलिए क्या, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी। Each level being
मोर कॉम्प्लेक्स देन प्रीवियस। जैसे 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 प्राइमरी थोड़ा सिंपल होगा, सेकेंडरी उससे थोड़ा सा हार्ड होगा, टर्शरी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होगा, और क्वार्टनरी ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स होगा। तो यही पॉइंट इसका मतलब है। हर लेवल पे जैसे जैसे आप गेम खेलते हो तो हर लेवल क्या होता है, हार्ड होता जाता है थोड़ा सा। तो वैसे ही यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर एंड शेप में भी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। ठीक है, तो चलिए वन बाई वन देखते हैं क्या कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें। तो सबसे पहला जो है दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो इसके बारे में क्या दिया है, देखिए प्रोटीन्स में हैव वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ईच पॉलीपेप्टाइड इन प्रोटीन हैज एमिनो एसिड लिंक्ड विथ ईच अदर इन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, एंड इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड दैट इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोटीन। तो इसमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस में अरेंज होते हैं एमिनो एसिड, और एनी चेंजेज इन प्राइमरी स्ट्रक्चर द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड क्रिएट अ डिफरेंट प्रोटीन। तो प्राइमरी प्रोटीन में आप लिख सकते हो कि इसमें जो एमिनो एसिड होते हैं प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है पॉलीपेप्टाइड चेन का एमिनो एसिड का। ओके, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस आप इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर है दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसके बारे में क्या दिया है, देखिए द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू शेप इन विच लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। ठीक है, इसमें लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में दो डिफरेंट टाइप के होते हैं, और ये दोनों में डिफरेंस भी बन सकता है यहाँ से। तो देखिए क्या है इसमें, सबसे पहला जो है अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड वन इज बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। तो पहले तो आप ये याद रखिए कि सेकेंडरी प्रोटीन में यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हैं, अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड वन इज बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। दीज स्ट्रक्चर आर अराइजेज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल। ठीक है, सीओ कीटोन बोल सकते हो, एंड एनएच ग्रुप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आपसे पूछ सकता है कि ये स्ट्रक्चर क्यों अराइज होते हैं, या किसके ड्यू टू विच रीजन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर आर अराइजेज। तो इसका आंसर यही होगा, क्या होगा इसका आंसर, यही होगा अराइजेज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग ऑफ बैकबोन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन, ठीक है, सी ओ एंड एन एच ग्रुप। ओके, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप 12th से स्टार्टिंग से ये सब वीडियो देख रहे हैं तो आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि प्रॉपर आप नोट्स बनाते चलिए जो जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, तो आपका यहाँ से बायोमोलिक्यूल बहुत ही इजी लगेगा आपको। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों को थोड़ा सा स्पेसिफाई किया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर अल्फा हेलिक्स के बारे में दिया है, यह है अल्फा हेलिक्स के बारे में। तो देखिए अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बाई ट्विस्टिंग इन टू राइट हैंड स्क्रू। ठीक है, राइट हैंड स्क्रू जैसे होता है इस तरह से डिजाइन होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्विस्टेड होता है। ओके, विथ एन एच ग्रुप ऑफ ईच एमिनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड टू सीओ कीटोन ग्रुप एट एडजेसेंट टर्न ऑफ हेलिक्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, 14.1। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे दिया, देखिए ये राइट हैंड स्क्रू है, इस तरह से जैसे घूमता है। ठीक है, ये है, उसी को बोला राइट हैंड स्क्रू टाइप का। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये आपका सीओ ग्रुप है और ये वाला एनएच ग्रुप है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर है, देखिए आप हाइड्रोजन बॉन्ड कुछ यहाँ पर, देखिए मैं इसको यहाँ पर, ठीक है एक मिनट फिर से मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेसिफाई करता हूँ, ये है एनएच ग्रुप। ओके, और बाकी ये है सीओ ग्रुप, और हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पे बन रहा है, ठीक है हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे बन रहा है, ये जो बन रहा है इनके बीच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया अल्फा हेलिक्स का। अब यहाँ पर देखिए बीटा, बीटा के बारे में क्या दिया है, इन बीटा प्लीटेड सीट स्ट्रक्चर, इसमें क्या कहानी है,
इसको देखिए, ऑल पेप्टाइड चेन्स आर स्ट्रेच्ड आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेट साइड बाई साइड विच आर हेल्ड टूगेदर बाई इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, व्हेन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल, वो चाहे मॉलिक्यूल सेम हो या दोनों डिफरेंट हो, तो उनके बीच जो बॉन्डिंग होता है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, द स्ट्रक्चर रिजेंबल्स द प्लीटेड फोल्ड ऑफ ड्रेपरी एंड देयर फोर नोन एज बीटा प्लीटेड सेट सीट। तो यहाँ पर देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ यहाँ पर है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो बीटा सीटेड है, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका दिख रहा है। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर वैसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में दो थे, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, इनके बारे में थोड़ा बहुत डिफरेंस है और जो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट यहाँ पर जो है दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, थर्ड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, इसमें क्या दिया है, द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स रिप्रेजेंटेड ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन, पूरा यहाँ पर फोल्डिंग होता है। फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर इट गिव राइजेस टू मेजर मॉलिक्यूल शेप, ठीक है, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आपसे पूछ सकता है कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कौन सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करता है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, वंडरवॉल फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, एंड लास्ट वन इज दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एक कि सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को स्टेबलाइज बाई विच फोर्स। तो एक ऑप्शन में दिया होगा हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड, दूसरा दिया होगा वंडरवॉल, और एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें इन चारों का नाम होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, जिसमें चारों का नाम हो। ओके, चलिए लास्ट जो यहाँ पर शेप के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया दैट इज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसमें क्या कहानी है, देखिए, सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड्स एंड रेफर टू सब यूनिट, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर नोन एज क्वार्टनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुछ आपको शेप दिख रहे हैं। ठीक है, तो इन डायग्रामेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल दीज फोर स्ट्रक्चर और गिवन ब्लू, तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर एमिनो एसिड का दिया है। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए, देखिए ये वाला जो सीधा सीधा सिंपल सा दिख रहा है दैट इज प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, देखें ये है प्राइमरी। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर जो है ये जो आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ठीक है, जो स्क्वायर मैंने बनाया इसको बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कॉइल फॉर्म में देखो दिख रहा है ऐसा। ठीक है, रिबन आपने देखा होगा, बर्थडे उडियम सजाया होगा, तो इस तरह से यहाँ पर इसको बोलते हैं सेकेंडरी। एंड टर्शियरी में जरा देखिए, टर्शियरी ये पूरा जो है वो टर्शियरी एमिनो एसिड है, तो इसमें थोड़ा और कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। देखिए यहाँ पर दो फोल्डिंग यूनिट एक दूसरे से ऐसे ज्वाइन हो गया, जैसे छोटे बच्चे हो ना उनको पेंसिल दे दो तो ऐसे ऐसे चलाते रहते हैं। ठीक है, तो ये है टर्शियरी कॉइल। और क्वार्टनरी देखिए और ज़्यादा खतरनाक है, क्वार्टनरी का स्ट्रक्चर देखिए ये है, बच्चा जैसे गुस्से में पेन पकड़ा दिया उसको ऐसे 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 इस तरह से घुमा रहा है। ओके, इसको पढ़ने लिखने का मन नहीं हो उनको पढ़ाओ ज़बरदस्ती तो ऐसे ही कुछ घुमा रहे हैं। तो ये है क्वार्टनरी। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी आपको पूछे सबसे ज़्यादा ऐसे जाने पर प्राइमरी टू क्वार्टनरी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। ओके, चलिए ये जो डिज़ाइन बनाया प्राइमरी सेकेंडरी, ठीक है, स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा रंग बिरंगे कुछ डायग्राम दिख रहे हैं, और अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है, ठीक है, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या दिखा है। द प्रोटीन फाउंड इन बायोलॉजिकल सिस्टम विथ यूनिक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ठीक है, द बायोलॉजिकल एक्टिविटी इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन। ठीक है, नेटिव प्रोटीन क्या होते हैं, जैसे जिसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेटिव प्रोटीन। अब आगे क्या दिया है, व्हेन अ प्रोटीन इज इन इट्स नेटिव फॉर्म
इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज, ठीक है, चेंजेज लाइक इन टेम्परेचर, चेंज इन केमिकल चेंज कर दो, पीएच में चेंजेज कर दो, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब कर दो। तो ये जो प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसको डिस्ट्रॉय करना बाय टेम्परेचर या केमिकल चेंज या फिर पीएच या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करके उसको ब्रेक करके कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आई होप आपको क्लियर हुआ। चलिए मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या है? जैसे एग है, ठीक है, जैसे कच्चा अंडा है, एग है, तो अगर हम उसे करें तो वो आपका नेटिव प्रोटीन हुआ, उसमें जो भी होंगे लिक्विड होते हैं वो नेटिव प्रोटीन होते हैं। अब क्या करो, उस एग को अगर हम बॉइल कर दे रहे हैं, तो एग को बॉइल कर दोगे तो वो नेटिव प्रोटीन है, उसकी जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एनसीईआरटी में क्या एग्जाम्पल से दिया है। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लूजेज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस इज नोन एज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो आपको सीधा सा दिमाग में रखना है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन मतलब द प्रोसेस इन विच बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन कैन बी डिस्ट्रॉय बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर और पीएच वैल्यू, या फिर आप बोल सकते हो कि उसमें क्या कर दें, हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब करें या केमिकल चेंजेज कर दें। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ओके, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉय बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट। इसका पॉइंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम प्रोटीन की डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में आपको सीधा सा ये पूछ सकता है कि उसमें कौन सा स्ट्रक्चर उसका कॉन्स्टेंट रहता है, तो इसमें जो सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उस प्रोटीन का, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, बट उसका जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है वो रिमेन सेम होता है, जैसा कहता है, चाहे उसको हीट करो, चाहे पीएच करो या जो भी करो, उसका प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या दिया है, द कोगुलेशन ऑफ एग, ठीक है, वाइट ऑन बॉइलिंग द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। तो ये लगभग डेली लाइफ में देखा ही होगा आपने, एक को हम बॉइल करते हैं तो उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाती थी। अब एक को आप बॉइल कर दो, अब बॉइल एग से थोड़ी वहां से वो आपको कोई वहां से चूजा कोई निकलेगा। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल और कर्डिंग ऑफ मिल्क, जैसे आप मिल्क से कर्ड बना दो, ठीक है, अब आप कर्ड से फिर से मिल्क नहीं बना सकते। ठीक है, तो अनदर एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल इज कर्डिंग ऑफ मिल्क विच कॉज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, और लैक्टोबैसिलस होता है, बाय वाले बच्चों को तो अच्छे से पता होगा। तो दो एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, और आप लोग इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज को क्वेश्चन जरूर किया करिए। और सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपने चैप्टर जैसे स्टार्टिंग से ही पढ़ रहे हो, एक तो एग्ज़ाम टाइम के कुछ बच्चे एक्टिवेट होते हैं लास्ट के एक दो मंथ में, वो चाहते हैं कि हम वहीं पढ़ के टॉप कर जाएं, और एक बच्चे होते हैं जो स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से अगर आप हो तो स्टार्टिंग से ही पढ़िए, और हर एक इन टेक्स्ट को एक्सरसाइज क्वेश्चन करिए, तो आपको कंपटीशन में या बोर्ड में हर जगह से बेनिफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो 14.4 क्वेश्चन दिया, द मेल्टिंग पॉइंट एंड सोलिबिलिटी ऑफ वाटर ऑफ एमिनो एसिड आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करेस्पॉन्डिंग हेलोजन एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन एग गो आफ्टर बॉइलिंग। तो यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन आप कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो ये अपना प्रोटीन का टॉपिक कवर हो गया। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सब्सक्राइब प्लीज़ करिए, और सबके सब्सक्रिप्शन से हमारा मोरल बढ़ता है, और वीडियो बनाएंगे हम, और आपकी हेल्प हमेशा करते रहेंगे। थैंक यू।